गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी जो है तीज नज़दीक आ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी लेडीज़ वगैरह हैं उनकी तीज की तैयारियाँ जो है हो रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं लंच में बनाने जा रही हूँ तीज की दर की थाली। तो इसके लिए जो है अब मैं कर रही हूँ तैयारी। तो करेले को मैं गोल गोल चिप्स के आकार में काट रही हूँ। तो इसको जो है मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, इसमें प्याज टमाटर वगैरह नहीं डालूँगी। तो इस तरह से भी अगर हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो करेले को गोल गोल इस तरह से काट कर मैं इसको थोड़ी देर के लिए नमक लगा कर मैं रख दूँगी, ताकि इसका जो है कड़वापन चला जाए। तो फिर मैं अब बाकी लंच बनाने की करती हूँ तैयारी। और इसमें मैं डाल दूंगी एक चम्मच के करीब नमक। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए रहने दूंगी, ताकि इसका जो है कड़वापन निकल जाए। तो इसके लिए जो है मैंने सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दी है। तो मैंने ये करेला जो है, ये करेला को जो है मैंने सुबह ही इसको काट कर इसमें नमक लगा कर मैंने इसको रख दिया है। तो करेला फ्राई करके बनाऊंगी मैं। तो आज मैं दाल बनाऊंगी, मिक्स दाल, माँ की दाल और चने की दाल। तो दाल को जो है मैं धोकर इसको मैं भिगाने के लिए रख देती हूँ, ताकि जो है ये दाल जल्दी से गल जाए। तो फ्रेंड्स, ये चने माँ की दाल जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मुझे ये दाल जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं आज चने और माँ की दाल बना रही हूँ। जब तक जो है मैं बाकी काम कर लेती हूँ, तब तक ये दाल को जो है मैं भिगो कर रख लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। और मुझे आज बनाना है आलू का अचार भी। तो आलू को मैं धोकर इसको मैं बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। तो आलू जो है 2 सीटी में हो जाएगा तैयार। तो लंच में जो है मैं आलू का अचार नहीं बनाऊंगी, तो ये जो है लंच अधूरा ही रह जाएगा। तो मैं बना रही हूँ आलू का अचार। तो आलू के अचार के बिना जो है आज का लंच अधूरा है। तो आलू के अचार में मैं मिक्स करूँगी, प्याज भी इसमें बारीक काट कर डालूँगी। तो अभी आलू को जो है लगभग 2 सीटी लगा लूँगी मैं। तो आलू में जो है काफ़ी मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो इसको धो लेने से जो है कभी आलू जो है अंदर से फट भी जाता है, तो फिर मिट्टी लग जाती है उसमें। तो इसको जो है मैं पहले अच्छे से धो लेती हूँ। तो अब मैंने करेले को भी जो है अच्छे से धो लिया है, ताकि इसका जो है नमक वगैरह निकल जाए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ लोहे की कढ़ाई। तो लोहे की कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, और इसमें मैंने तड़का दिया है मेथी का। और इसको तड़का देने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर। और इसको जो है मैं सिंपल तरीके से इसको फ्राई करूंगी। और इसमें मैं प्याज और टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। तो करेले को जो है सिंपल तरीके से अगर हम इसको फ्राई करें तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अगर आप सिंपल दाल चावल भी बना रहे हो, तो उसके साथ अगर आप करेला को फ्राई कर लीजिए, तो ये तब भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। तो मैंने हल्दी जो है मैंने पहले ही तड़का लगाते वक्त डाल दिया था। तो बस अब इसको ढकेंगे नहीं हम, इसको हम फ्राई करते जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये करेला जो है ये काफ़ी क्रिस्पी हो गया है। तो अब ये करेला भी बनकर तैयार है। तो अभी मैं बना रही हूँ चिकन। तो चिकन के लिए मैं काट रही हूँ प्याज। चिकन को भी मैंने सुबह ही इसमें मैंने कम से कम 500 ग्राम चिकन है, तो इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब सिरका डालकर मैंने चिकन को रख दिया था। तो अब इसके लिए मैं काट रही हूँ प्याज, और हरी मिर्च लिया है मैंने। तो अब मैंने पैन में डाल दिया है सरसों का तेल, और एक तरफ मैंने लोहे की कढ़ाई में भी मैंने सरसों का तेल डाला है। तो मैं पैन में पहले चिकन को फ्राई कर लेती हूँ गोल्डन होने तक।
तो इसमें मैंने जो है थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा साबुत लहसुन, और इसको मैं अच्छे से गोल्डन होने तक जो है इसको मैं फ्राई करती रहूंगी। और यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई में प्याज डाल दिया है और तेज पत्ता और कटी हुई लाल मिर्च। अब इसको जो है प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। प्याज जो है गोल्डन हो गया है, तो अब इसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़े टमाटर। तो टमाटर को भी जो है अच्छे से पकने के बाद और गल जाने तक जो है इसको मैं भूनूंगी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ मसाला। तो मसाला में मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर 2 चम्मच और 2 चम्मच धनिया पाउडर। तो मसाला की जो है अच्छे से ग्रेवी बना लेंगे। और यहाँ पर चिकन भी जो है अच्छे से गोल्डन हो गया है, तो यहाँ पर मसाला भी जो है तैयार है बनकर। तो अब मसाला को जो है चिकन में मिक्स कर दूंगी मैं। तो आप भी इसी तरीके से अगर चिकन बनाएंगे तो आप देखना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अब इसमें मैं तैयार किया हुआ जो मसाला है वो इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो मैंने चिकन फ्राई करने के लिए इसमें मैंने लिया है ये नॉन स्टिक का पैन, ताकि जो है ये कढ़ाई में ना चिपके। तो नॉन स्टिक में जो है ये चिकन जो है चिपकता नहीं है, तो इसीलिए मैंने नॉन स्टिक में जो है चिकन को फ्राई किया है। तो अभी जो मसाला है वो मसाला मैं सभी इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। और यहाँ पर अचार बनाने के लिए मैंने भून लिया है तिल और लाल मिर्च। तो आलू को भी जो है मैंने बॉयल कर लिया है, अब इसको मैंने काट दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। और इसमें मैंने डाल दिया है कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। तो ये तिल को जो है मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अभी इस मसाला को जो है आलू में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको मैं दे रही हूँ तड़का। तो तड़के में मैंने लिया है सरसों के तेल में मैंने लगाया है तड़का, मेथी डाला है साबुत, और हल्दी और हरी मिर्च डालकर मैंने दिया है इसमें तड़का। और चिकन भी जो है बनकर तैयार है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ दही बूंदी बनाने की तैयारी। तो दही में मैंने दे दिया है जीरा, हल्दी और सरसों के तेल का तड़का। तो दही बूंदी भी जो है मेरा बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, अब मेरा जो है सभी जो है लंच वगैरह जो है सब दाल और चावल भी जो है बनकर तैयार है। तो बस अब ये रहता है मेरा दही बूंदी। अब ये दही बूंदी भी जो है मेरा तैयार है। तो अब मैं काट रही हूँ खीरा। तो अब ये सलाद के लिए मैंने लिया है खीरा। तो ये खीरा भी जो है काफ़ी फ्रेश है। तो अब खीरा को जो है गोल गोल स्लाइस में काट लेते हैं। आप चाहे तो खीरा के जो है छिलके निकाल सकते हैं, नहीं तो जो है ये खीरा बहुत ही ज़्यादा नरम है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसके तो मैंने तो छिलके निकाल दिए इसके। तो फ्रेंड्स, अब मेरा लंच बनकर तैयार है। तो इसमें दाल और चावल भी जो है बनकर तैयार है। तो अब करते हैं लंच को सर्व। तो फ्रेंड्स, अब मेरा लंच बनकर तैयार है। तो आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।